हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो है ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ठीक है, इसके पहले भी ट्रिगोनोमेट्री पे काफ़ी क्वेश्चंस हमने करवाए हैं। पिछले क्लास में हमने करीब करीब आपके पास 5-7 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज की क्लास में भी हमने आपके पास 7 क्वेश्चन किया था। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि जिस दिन 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से मैं 3-4-5 क्लास तक लगातार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन अभी फिलहाल बोर्ड लेवल का आ रहा है। धीरे धीरे करके हम इस सारे को जो भी आपके पास क्वेश्चन है इसको धीरे धीरे करके मतलब बढ़ाते रहेंगे और लेवल को बढ़ाते हुए आपके पास NTSC KVPY तक लेकर के इसको चलेंगे। साथ साथ आपके पास JEE तक तो मैं लेकर इसको नहीं चलूँगा क्योंकि JEE में आपके पास मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल भी आते हैं। तो फिलहाल क्लास 10th तक में से हम रुकने वाले हैं और 10th तक में जो भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उस पर के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैं बता दूं आपके पास कि हमने क्वेश्चन को प्रूफ करना सिखा था कि कैसे प्रूफ करते हैं। जब भी कभी हमारे पास कोई भी चीज़ दिया हुआ है कि LHS दिया रहता था, RHS दिया रहता था, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब भी कभी आप LHS लेके चलते हैं तो ये समझ ले कि राइट साइड में मुझे क्या प्रूफ करना है। तो राइट साइड में प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। तो यही सब सोचते हुए फिर से आज हम लोग 7 क्वेश्चन करेंगे। तो फटाफट देखते हैं जल्दी से। ठीक है, अगर आप इसमें से कोई बच्चे अगर इस सारे क्वेश्चन को खुद से अगर सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट में आप वीडियो को देखते हुए अपना चेक कर लेंगे कि मतलब आपका बनाया हुआ सही है या गलत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। ठीक है ना, चलिए। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं फटाफट सर, क्या सॉल्यूशन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चलिए भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन? सर आप LHS पहले ले लो यार। LHS ले लोगे तो LHS की हम बात करते हैं क्या हमारे पास की कॉस की पावर, कॉस नहीं कॉट है, सॉरी कॉट की पावर कितना है, 4a है, -1 है। LHS सर आपने ले लिया है, बट आप मुझे बता दो कि आपको राइट साइड में कॉसेक लाना है। क्या कॉट का फॉर्मूला डायरेक्ट कॉसेक में आप जानते हैं क्या? अगर आप जानते हैं तो सीधे आप वहाँ पर चलिए, आपको गारंटी के साथ तुरंत ये चीज़ दिख जाएगा और शायद आप जानते भी हैं। तो मैं बता दूँ आपके पास कैसे होता है। क्या मैं इसी को ऐसा लिख दूँ, या फिर बेटे यही लिखता हूँ नीचे, क्या मैं इसी को ऐसा लिख दूँ कि कॉट को कॉट स्क्वायर, कॉट के पावर 4 है ना, तो कॉट स्क्वायर ए का अगर मैं स्क्वायर लिख दूँ तो शायद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं है, बिल्कुल चले ठीक सर। हम लोग जानते हैं कि यार कॉट स्क्वायर का तो फॉर्मूला याद जानते हैं, कॉसेक में क्या होता है याद है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कितना, कॉसेक स्क्वायर ए -1 है, इस पूरे का स्क्वायर हो गया -1। अब भाई साहब इस वाले पार्ट को ए मान लें, इस वाले को बी मान लें, तो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है क्या? अगर आप ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर याद रखेंगे, ए स्क्वायर -2ab, 2 कितना हो गया ए तो यही है ना, 2a और क्या हो गया b कितना है पास, प्लस बी स्क्वायर, 2ab, बी की जगह 1 लिखना जरूरी है क्या? वैसे जरूरी नहीं है, ए स्क्वायर -2a और ये b हो गया, b की जगह 1 लिखना जरूरी नहीं है यार। ठीक है सर, नेक्स्ट प्लस बी स्क्वायर कर दिए, तो बी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और माइनस ये वाला 1। ठीक है चलिए फटाफट देखते, कॉसेक स्क्वायर के पावर स्क्वायर कर देंगे तो आप बोलेंगे कि सर कॉसेक के पावर 4a हो जाएगा -2 टाइम्स ये भाई साहब कॉसेक स्क्वायर ए हो गया, और ये +1 है -1, तो ये तो कैंसिल आउट खत्म हो गया, जो आपको चाहिए था वो आ गया, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक की पावर 4a -2 कॉसेक स्क्वायर ए। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे प्रूफ कर रहे हैं। जब भी कभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आपके पास आइडेंटिटी का प्रूफ करना होता है ना, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि LHS में है क्या, फिर उसके बाद देखते हैं RHS में लाना क्या है। अगर LHS का जो भी टर्म्स हमारे पास दिए हुए हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो LHS में दिए हुए हैं, क्या मैं उस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को डायरेक्ट RHS वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो सीधा यार यहाँ लिखा जाना है, नहीं कर सकते हैं तो घुमा फिरा करके लाना पड़ेगा, जैसे साइन कॉट को कॉस बटा साइन लेकर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उससे चलेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, उससे भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हमें मतलब ये है कि अप्रोच जहाँ से जल्दी हो वहाँ से चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जिस बच्चे का दिमाग जिधर से घूमेगा उधर से बन जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दूँ कि एक ही क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से भी बना सकते हो। अब हर क्वेश्चन को 2-3 तरीके से मैं बनाने लगूँगा तो इतना टाइम, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, पर हाँ एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बना करके अलग से वीडियो में जरूर डाल सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल सर क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सर हमारे पास RHS आ गया, कंप्लीट वीडियो देखिएगा क्योंकि आपके पास बोर्ड का भी एग्जाम आपको देना है।
तो अब भाई साहब हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर टू सर, क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, बोला गया कि cos a अपॉन वन माइनस टेन ए और साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कितना cos है। LHS है, RHS में मुझे साइन ए प्लस cos चाहिए। RHS में क्या चाहिए बेटा, साइन प्लस cos, साइन और cos चाहिए, साइन cos चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं टेन है बकवास, तो टेन को भी साइन cos में बदल जानते हैं। टेन ए टेन ए इज इक्वल्स टू टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बाई cos है। तो यार जब भी चीज़ मुझे RHS में है कि साइन ए प्लस कॉस है, मतलब साइन और कॉस चाहिए, तो इधर के सारे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ये ऑलरेडी साइन है, कॉस है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये कॉस है, बस ये टेन बवाल मचा रहा है। मतलब अगर तुम बवाल मत मतलब बताता हूँ मैं आपको, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कितना कॉस है। बोलोगे सर अब यार तुम नॉर्मल हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्योंकि मुझे जो चाहिए था ना वहीं पर तुम पहुँच गए हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, कितना है cos a अपॉन वन माइनस tan a। ये फॉर्मूला मतलब LHS था आपका, साइन स्क्वायर a और ये कितना है पास sin a और माइनस cos a। बोलोगे सर अब फटाफट बताओ मुझे आप, मतलब ये ऑलरेडी cos है तो इसको रहने दें, ठीक है। ये यार नीचे ये जो है ना इसको बदल दो यार, क्या है यहाँ पे, क्या लिख देंगे sin a बटा cos a, ऐसा लिखना गलत नहीं है और इजीली लिख सकते हैं, और लिखना भी चाहिए, क्यों नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे राइट साइड में साइन कॉस चाहिए, टेन को टेन में छोड़ देंगे तो साइन कॉस में कैसे आएगा फिर यार, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी साइन है और ये क्या लिख दिया मैंने आपके पास साइन ए माइनस कॉस ए। सर आगे हमारे अच्छे से देखो इसका ना यार, ऊपर देखो ऊपर क्या है कॉस ए है, यहाँ देखेंगे ना आप तो इन दोनों दो कैंसिल ले लें कितना आ जाएगा, देखो तो कॉस ए इसके नीचे कुछ नहीं तो वन करके वन को इसे डिवाइड करोगे कॉस बचेगा, कॉस ए इंटू वन कितना कॉस कॉस ए माइनस कितना है साइन ए, प्लस का साइन दे दिया यार साइन स्क्वायर ए है। बोलोगे सर एक चीज़ मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ स्टेप को बचाने के लिए, क्या करना चाहूँगा सर, मुझे यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए दिख रहा है, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये जो कॉस स्क्वायर है ये भाई साहब तो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे बचेगा क्या कॉस ए माइनस साइन ए, यही ना बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए। तो सर यहाँ पे तो साइन ए माइनस कॉस है, मैं बोलूँगा कि आप शायद पता नहीं होगा कि अगर आपको अगर ए माइनस बी को अगर आप बी माइनस ए लिखना चाहते हैं तो आगे माइनस लगा देंगे, हो गया ना। तो यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है और साइन ए माइनस कॉस है, तो क्या मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल करके लिख सकता हूँ क्या कॉस ए माइनस साइन ए, ज़्यादा बेटर है क्यों, ये भी कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, ये भी कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, ये वाला भाई साहब ऊपर चला गया तो क्या बच गया मेरे पास, कि ऊपर चला गया तो कॉस ए इंटू कॉस ए दिस इज व्हाट कॉस स्क्वायर, नीचे क्या हो गया कॉस ए माइनस कितना हो गया साइन ए। सर यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो माइनस और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे कितना कॉस ए माइनस कितना साइन ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर आगे क्या होने वाला है, मैं बोलूँगा आगे अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है ना। कैसे दिखेगा, देखिएगा नीचे कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए दोनों कैल्सियम ले लेंगे कितना आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, इसको इससे डिवाइड करोगे वन वन इंटू कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर माइनस ये माइनस यहाँ पे, इसको इससे डिवाइड कर दो वन वन इंटू साइन स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर। अब सर उसके बाद मैं बोलूँगा ऊपर वाले को अच्छे से देखो, अगर आप इसको ए मानोगे इसको और अगर इस वाले भाई साहब को अगर बी मानोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या, अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ठीक है सर आगे बढ़ते हैं, चलिए क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि कॉस ए माइनस साइन ए यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कितना कॉस ए प्लस कितना है साइन ए। नीचे की बात करेंगे, नीचे कितना है कॉस ए माइनस कितना है साइन ए। सर ये और ये दोनों कर कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, तो बच क्या गया कॉस ए प्लस साइन ए। तो फाइनली आपके पास आ गया कि कॉस ए प्लस कितना है साइन ए, और यही क्या था RHS था, ठीक है। कहीं से भी अगर आपको दिक्कत आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर यार समझने में दिक्कत आ रहा है, बट आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, सॉरी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक भी स्टेप यार यहाँ पर कहीं पर छोड़ा नहीं है हमने, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के सॉल्यूशन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर हाँ कोई बच्चा अगर यार स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा है या फिर नोट नहीं कर पा रहा होगा, बोले सर तुरंत आप मिटा दे रहे हो, तो यार वहाँ पर आप वीडियो पॉज कर लो ना जहाँ पर सॉल्यूशन खत्म हुआ, और उसके बाद लिखिए अगर आप, या फिर आप उसे स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन की बात करेंगे। टू है साइन के पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस के पावर सिक्स थीटा, माइनस थ्री है साइन के पावर फोर थीटा प्लस कॉस के पावर फोर थीटा,
प्लस वन। मैं बता दूं यहाँ पर एक फॉर्मूला को बार बार यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला जो होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं इसके बारे में बता दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है क्या, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। मैं बता दूं यहाँ पर ऐसे देखना, अगर साइन के पावर फोर को, साइन के पावर फोर को मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस के पावर फोर को लिख दूँ कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर आपको ये फॉर्मूला लगेगा कि ये वाला। मैं बोला ये लगाओगे ना तो आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का स्क्वायर है कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ए कितना है साइन स्क्वायर, बी कितना है कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है कितना होता है वन, इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला आपको काम आएगा, ये वाला फॉर्मूला आपको काम आने वाला नहीं है। एक चीज़ और, साइन के पावर सिक्स थीटा है प्लस कॉस के पावर सिक्स थीटा, तो मैं बता दूँ यार कि आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है कौन सा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस कितना हो गया ए बी। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करने जा रहा है, देखिएगा है ना। तो प्रूफ करना चालू करते हैं फटाफट, एल एच एस ले लेते हैं, आर एच एस में राइट हैंड साइड में जीरो प्रूफ करना है। एल एच एस हमने यहाँ पर ले लिया, अब हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं। टू है साइन के पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस के पावर कितना है सिक्स थीटा। फाइनली थ्री है आपके पास साइन के पावर फोर थीटा प्लस कॉस के पावर कितना है फोर थीटा। सर नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो प्लस वन है आपका, क्या कर लोगे आप, मैं बोला बहुत कुछ करूँगा, देखो आप अच्छे से, ठीक है ना। चलिए तो सर क्या करेंगे इसके आगे, मैं बोलूँगा अच्छा देखो आप ना, ये तो टू को टू रहने देते हैं, साइन के पावर सिक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, मैंने बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला उसी पर तोड़ने जा रहे हैं। और ये आपके पास कितना कॉस के पावर सिक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के पावर थ्री, ऐसा लिखना गलत नहीं है, इसको भी तोड़ेंगे स्क्वायर वाले पे, थ्री तो थ्री है, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या स्क्वायर प्लस वन, बस वो तो क्या। अब देखिएगा अगर इस वाले भाई सबको अगर मैं ए बोल दूँ, क्या बोल दूँ इसको, अगर मैं ए बोल दूँ तो ए का क्यूब, और इसको अगर मैं बी बोल दूँ तो बी का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है आपको पता होगा, अभी भी मैंने बताया था आपको कितना होता है ए प्लस बी, ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी हो गया इनटू, याद रखिएगा मैं डायरेक्टली लिखा हूँ ठीक है ना, इनटू इनटू कितना होता है ए स्क्वायर, आपको याद कीजिए ए स्क्वायर, ए कितना है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन के पावर फोर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना होगा कॉस स्क्वायर है तो अगेन इसको कॉस के पावर फोर थीटा। नेक्स्ट यार उसके बाद ना इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हो गया नेक्स्ट आपके पास माइनस है ए बी, याद होगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ए कितना है आपके पास साइन स्क्वायर कितना है थीटा इंटू कॉस स्क्वायर कितना है थीटा, ये हो गया किसका इसका। अब ये देखिए ना माइनस तो माइनस है थ्री हो गया, इसको तोड़िए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, याद करिए ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए, याद है ना आपको, याद है कि नहीं याद है, माइनस टू ए इंटू कितना हो गया पास बी, बस हो तो गया ये वाला प्लस वन यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिए ठीक है सर आगे बताऊँ मैं आपको, तो ये तो टू है और वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, तो ये तो वन हो गया। अच्छे से सर आप इसको देखो अपना, इसको देखोगे ना तो फिर से आप इसको ना आप इस वाले पार्ट पे तोड़ सकते हैं, मतलब तोड़ दो फिर से देखो अपना साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कितना हो गया स्क्वायर, तोड़ेंगे ना इस पर। चलिए इसको ऐसे ही रन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर कितना है थीटा। सर मुझे तो यार बहुत लेंदी लग रहा है, मतलब लेंदी नहीं है आपको समझना है बस, लेंदी है नहीं यार, आप बहुत ज़्यादा लेंदी समझेंगे तो ये गलत कर रहे हैं आप। चलिए यहाँ पर देखते हैं ना सर, माइनस तो माइनस है थ्री है, मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, तो वन का स्क्वायर माइनस, इसलिए टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। सर आगे की तरफ बात करते हैं, मैं बोला अच्छे से देखो नेक्स्ट टू इंटू वन कितना हो गया टू, और यहाँ देखो ये फिर से इसको ए मानो तो ए का स्क्वायर प्लस बी मानो तो बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा कि सर ए प्लस कितना हो गया बी का कितना हो गया पास स्क्वायर हो गया माइनस टू ए बी, ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा टू ए बी हो गया, और ये वाला माइनस पहले से माइनस कितना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यार ये हो गया। यहाँ देखेंगे
तो माइनस थ्री हो गया, और ये देखो वन का स्क्वायर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। ठीक है, आप बोलोगे सर यार ये बहुत लेंदी जा रहा है, और अभी इसके आगे आप क्या करने वाला हूँ। मैं बोलूँगा इसके आगे बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट आप ऐसा करिए पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, या फिर एक लाइन और आगे बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा देता हूँ आपको मैं ना, उसके बाद दिखाई आपको नहीं देगा। टू तो टू है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू वन, तो वन का स्क्वायर कितना होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री कितना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर कितना होगा थीटा। आगे सर इसको अच्छे से देखोगे ना यार, इसको तो ये माइनस कितना है थ्री है, वो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस वन। सर एक लाइन दो लाइन का और चीज़ है, तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाफट, मैं इसके आगे आपको डिस्कस करूँगा, तो नोट कर लीजिए या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो जस्ट इसके आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो है, इसको अंदर गुणा करेंगे ना, टू को लेकर गुणा करिए, टू इंटू वन कितना टू माइनस टू थ्री जाए कितना हो गया सिक्स, कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट थ्री इंटू वन कितना हो गया माइनस थ्री, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, कितना थ्री टू जै सिक्स कितना हो गया पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर कितना हो गया थीटा। नेक्स्ट ये कितना है साहब प्लस वन, अच्छे से देखिए आप इसका ना कुछ बात तो नहीं कहता, ठीक है एक मिनट कहीं गड़बड़ हो गया क्या, नहीं ठीक है सॉरी सही है। टू प्लस वन कितना हो गया थ्री, और ये कितना हो गया थ्री, और ये वाला माइनस थ्री है ये और ये तो कट जाता, थ्री माइनस थ्री कितना हो गया जीरो, फिर से आर एच एस क्या हो गया आर एच एस ना, ये आपका आंसर हो गया थर्ड वाले का क्वेश्चन। थोड़ा सा ठीक है, जितना ज़्यादा पावर होगा तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा तो बड़ा होने वाला है यार क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर फोर में है साइन के पावर फोर थीटा माइनस कॉस के पावर फोर थीटा का रिजल्ट आपको लाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं फटाफट ना। सर फोर नंबर क्वेश्चन में है ऐसा क्या है जरा मुझे बताया जाए, मैं बोलूँगा है नहीं, पावर आपको बड़ा दिख रहा होगा तो दो तीन पार्ट में करके तोड़ेंगे उसको, है ना। मैं फिर से बता दूँ सारे क्वेश्चन आपके पास बोर्ड लेवल के हैं, आपके पास जो भी बच्चे टेंथ के एग्जाम देने वाले हैं इस साल उन्हीं के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर कितना फोर, क्या लिखा गया आपके पास, फिर से हम LHS ले लेते हैं, और LHS में लिखा गया है क्या साइन के पावर एट थीटा माइनस कॉस के पावर एट थीटा। सर ये सही है, साइन के पावर एट थीटा माइनस कॉस के पावर एट थीटा। आपको दिख रहा है क्या साइन स्क्वायर में चाहिए, स्क्वायर में क्या पावर फोर भी है सिक्स भी है कुछ भी नहीं है, मतलब स्क्वायर पर ले जाकर रोक देना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ साइन के पावर फोर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस के पावर कितना होगा फोर थीटा का स्क्वायर। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो दिस इज वॉट, दिस इज द ए, अगर आप इसको ए मानते हैं और अगर आप इसको बी मानते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए कितना है ये तो ए माइनस कितना हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी साइन के पावर फोर थीटा प्लस कॉस के पावर फोर थीटा, यार हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नाउ सर क्या मुझे पावर फोर में कोई चीज़ चाहिए राइट साइड में, नहीं चाहिए, मतलब पावर टू में, तो पावर टू में लेकर आइए, फिर से आप इसको तोड़ देते हैं, क्या करेंगे फिर से आप इसको तोड़ देंगे। सो कितना साइन स्क्वायर कितना तोड़ दिए इसको देखिए, साइन स्क्वायर थीटा का कितना स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का कितना हो गया स्क्वायर, तोड़िए मैंने इसको। चलिए नेक्स्ट भाई साहब इस पर बात करते हैं, इसको मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको याद है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। सर थोड़ी यहाँ पर देखेंगे ना, फिर से अगर आप इसको ए माने, क्या माने इसको ए और इसको क्या माने बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगेन फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी यानी कितना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए ए माइनस बी इसलिए ए प्लस बी, ए कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन होता है, इसके बारे में बात करें आप इसको यहाँ पर तोड़िए ना, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, वही तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है ए प्लस कितना बी का कितना होता है स्क्वायर और माइनस टू ए और ये कितना हो गया पास बी, बस हो तो गया बढ़िया से देखेंगे तो दिस इज द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन
वन इंटू इतना क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, वन का स्क्वायर कितना वन माइनस टू हो गया कितना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यही आपका आर एच एस में चाहिए था आपके पास सर कुछ। तो यार जब भी कभी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के क्वेश्चन को बनाते हैं और अगर हम उसको प्रूफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रूफ कर रहे हैं, तो इस बात पर मेक श्योर हो जाए कि राइट साइड में हमें क्या चाहिए, राइट साइड में हमें क्या चाहिए। जब तक अगर आप राइट साइड को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि फाइनली आपको राइट साइड में क्या चाहिए, तब तक आप क्वेश्चन बहुत ही बनाने में टाइम लग सकता है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर के बाद क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं हम लोग अच्छे से ना। क्वेश्चन नंबर फाइव, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इवन आपको अगर कोई क्वेश्चन हो आपका अच्छा सा जो आप समझना चाहते हैं ऑनलाइन वीडियो से, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस क्वेश्चन को मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। यार व्हाट्सएप नंबर आपको पता है शायद मेरा है ना 9528573224, तो इस नंबर पर भी आप क्या कर सकते हैं सेंड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव एल एच एस के बारे में बात करते हैं दोबारा। मेरे पास दिया हुआ है क्या कि सर वन माइनस साइन थीटा है प्लस क्या है कॉस थीटा, तो क्या है भाई सर स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो मुझे लाना कितना है, लाना यार मुझे इतना। ठीक है आपको देखने में लग रहा है ये फैक्टराइज किया हुआ है ये टर्म इनटू ए टर्म। अगर फैक्टराइज किया हुआ है तो मैंने फैक्टराइजेशन पर कल आपको वीडियो लेक्चर भी डाला था एक, ठीक है जो कि नाइन्थ टेंथ क्लास का है और एट क्लास का। तो मैं बता दूँ आपके पास कि फैक्टराइज इसका मतलब हुआ सर लास्ट मुझे कहीं ना कहीं फैक्टराइज करेंगे तभी आपको ऐसा आएगा, तो लास्ट का जो चीज़ें हैं ना वो बहुत उठपटांग आ जाएगा। ठीक है ना, तो लेकिन आर एच एस आपको बता चुका है उठपटांग देखने से लग रहा है इसका मतलब आप उसको फैक्टराइज करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है ना चलिए, तो सर यहाँ पे चलो आपको अच्छे से पता होगा a माइनस बी प्लस सी, याद करो तो a प्लस बी आप प्लस सी का फॉर्मूला आपको याद है ना कि नहीं याद है, नहीं याद होगा तो मैं आपको बता दूँ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला है कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सॉरी प्लस टू ए बी प्लस कितना टू बी सी प्लस कितना टू सी। और मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, तो इस वाले भाई साहब को हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी, ए माइनस बी प्लस सी। फिर माइनस होगा तो क्या करेंगे देखेंगे यार, पहले तो ये स्टार्टिंग का क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर अब प्लस कितना सी स्क्वायर हो गया। उसके बाद सर प्लस देखो तो प्लस माइनस कितना हो गया माइनस टू ए बी टू इंटू वन इंटू साइन थीटा कितना आ जाएगा साइन थीटा। उसके बाद प्लस माइनस कितना हो गया माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टू बी सी, अब प्लस कितना हो गया प्लस प्लस कितना हो गया प्लस 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 कितना हो गया प्लस टू ए सी ए इंटू सी यानी टू कॉस हाँ टू इंटू वन इंटू कॉस यानी कितना टू कॉस थीटा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, तो फिर हम आगे बात करते हैं फटाफट। यार ये तो वन का स्क्वायर कितना होगा वन, और वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन। यहाँ से अगर आप अच्छे से देखोगे तो माइनस को माइनस है टू साइन थीटा है और ये कितना हो गया पास ये कितना हो गया टू प्लस में टू कॉस कितना हो गया थीटा और ये कितना है माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वन प्लस वन कितना हो गया टू हो गया माइनस कितना है टू साइन थीटा हो गया। ठीक है ना, और ये प्लस कितना है टू कॉस थीटा हो गया तो माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर अब इसको अरेंजमेंट तो मैं नहीं कर सकता, मेरा आंसर ऐसे कैसे आएगा, मैं बोलूँगा कितने टर्म है टोटल चार टर्म एक दो तीन चार, दो दो का पेयर लेकर के फैक्टराइज करेंगे आप अच्छे से। तो पहले इन दोनों को देख लीजिए अच्छे से, फिर हम लास्ट में इन दोनों को देखेंगे। इन दोनों में से क्या आप टू बाहर ले सकते हैं, अगर आप टू बाहर ले लेंगे ठीक है ना, टू बाहर ले लेंगे तो कितना आएगा वन माइनस कितना साइन थीटा आएगा क्या। चलिए यहाँ से भी क्या कॉमन ले सकते हैं सर टू कॉस थीटा है टू टू कॉस थीटा ऐसा भी है, तो दोनों में से टू कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं तो क्या बचेगा वन माइनस टू कॉस थीटा बाहर निकल चुका है, देखो टू कॉस थीटा था बाहर निकल गया तो यहाँ पर कितना बचेगा वन बचेगा माइनस है माइनस टू कॉस थीटा बाहर आ गया अब क्या बचेगा साइन थीटा। आपको याद होगा फैक्टराइजेशन करते समय हमने बताया दे कि आपके पास फिर से मेरे पास दो फैक्टर आ गए एक ये और एक ये मतलब दो टर्म आ गए, इन दोनों टर्म में से वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा जो है क्या है कॉमन है क्या है कॉमन, तो फिर से भाई साहब दोनों में से वन माइनस साइन थीटा को वन माइनस साइन थीटा को क्या कर दिए कॉमन लिए। यहाँ से क्या बचेगा ये बाहर आ गया है तो क्या बचेगा टू आप प्लस ये वाला चीज़ बाहर आ गया है क्या बचेगा टू कॉस थीटा।
सर अब चाहो तो थोड़ा सा अच्छे करने के लिए इन दोनों में से भी टू बाहर निकाल दें, टू बाहर निकाल दें कितना आएगा, टू आ जाएगा, वन माइनस साइन थीटा यहाँ लिख देंगे और ये कितना वन प्लस कॉस थीटा। यही आपका प्रूफ हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर फाइव का, दिस इज द आरएचएस। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलेंगे हम लोग अभी, है ना, फाइव हो चुका है, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। तो सिक्स पे क्वेश्चन क्या है आपके पास, समझने वाली बात, वो देखते हैं। क्वेश्चन सारे तगड़े तगड़े हैं, मजा आएगा, पता है आपको। ऐसा भी नहीं बात है कि कोई बच्चा जो थोड़ा बहुत अगर टेंथ मतलब पढ़ चुका है तो बोर नहीं हो रहा होगा, समझने में अच्छा है। और जो नए बच्चे हैं उनके पास भी समझने में भी अच्छा है क्योंकि ढेर सारे फॉर्मूले उनको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर बात करते हैं, सिक्स पे, सिक्स में पता है गिवन में व्हाट वी हैव गिवन हियर, वी हैव गिवन हियर के पास साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब सर क्या हो गया कि साइन थीटा प्लस कितना है साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया वन, ठीक है। मुझे क्या प्रूफ क्या करना होता है कि इसका रिजल्ट जो है ना वन हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा वन। आसान है ये सर, साइन में है रिजल्ट, कॉस में अगर मैं कुछ कॉस को मैं कुछ काम कर दूँ तो वन प्रूफ हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा यहाँ से अच्छे से देखोगे गिवन से साइन थीटा, तो साइन थीटा इसको जो लिख रहोगे तो वन माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज द कॉस स्क्वायर थीटा, इसी का यूज कर दूंगा मैं अभी इसमें, देखे ना। नाउ LHS की बात करें, जो मुझे प्रूफ करना है LHS में कितना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना है कॉस के पावर फोर थीटा है, क्या प्रूफ करना है मुझे वन। यार वन कैसे प्रूफ करते हैं, किसी भी चीज़ को वन प्रूफ करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वन, यही सब होता है ना आपके पास। तो मुझे कॉस स्क्वायर दिख गया, कहीं से अगर साइन स्क्वायर बन जाए तो मेरा बात निकल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, ठीक है। देखो ये तो आपके पास कॉस स्क्वायर रह गया, रहने दो इसको, ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये मुझे छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, छेड़छाड़ ये कर रहा है। कॉस के पावर फोर, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर के जगह पे कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा, साइन थीटा ये स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट कि कॉस स्क्वायर थीटा, वी नो दैट कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, बस। तो आप आसान सा क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन पर चलते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, कुछ खास तो नहीं है बट ठीक है, एवरेज है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सेवन, सर सॉल्यूशन किया जाए, एक्सप्रेस द रेशियो कॉट ए टेन ए कॉस ए के इन टर्म्स ऑफ द कॉस ए। मतलब क्या होगा सर कि कॉट ए को सिर्फ कॉस ए मिलाना है, कॉट ए को सिर्फ कॉस ए मिलाना है, अब कैसे लाओगे ये समझो। नेक्स्ट टेन ए को सिर्फ कॉस मिलाना है, कॉस ए को सिर्फ कॉस मिलाना है बस। तो चलिए मैं पहले बात कर लूँ कितना कॉट ए है, अब मुझे किस में लाना है कॉट ए का फॉर्मूला बनाना है, किस में कॉस में। वी नो दैट कि ये जो फॉर्मूला होता है कॉस का दो फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए अपटा कितना साइन ए। सर अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ऊपर तो कॉस बन गया, ऊपर कॉस बन गया, लेकिन नीचे तो साइन है, मतलब नीचे को भी बना सकते हैं हम लोग रूट में करके। देख लो अगर मैं लिख दूँ इसको कितना कॉस ए अब बटा कितना है साइन ए, सर ऊपर कॉस बन गया, नीचे वाला जो साइन है ना वो कॉस में बन जाएगा तो काम निकल जाएगा। मतलब देखो अच्छे से क्यों नहीं बन चुका है, कॉस है तो कॉस ए है। मैं आपको साइन ए का फॉर्मूला लिखवाया था रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर, अगर आप कुछ और भी करके बनाओगे तो यही आएगा। मतलब सर इसका मतलब ये हुआ कि सर कॉट ए को मैं कॉस के टर्म में ये लिख सकता हूँ, मतलब बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये फॉर्मूला लिखवाया जा चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो लेक्चर नंबर शायद ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी यानी प्रीवियस लेक्चर जाकर देखें, साइन ए बराबर रूट इंटर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखवाया जा चुका है आपको। अच्छा कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि सर ये जो कॉट ए है, मतलब देखो आएगा तो यही दोबारा भी यही आएगा कॉट ए को, तो बच्चा बोले सर हम तो यार पता है हमको ये फॉर्मूला पता है क्या कॉसिक स्क्वायर ए माइनस वन रूट में, ठीक है। मैं बोलूँगा इसके बाद मैं बोलूँगा कॉसिक से इसको किस में चेंज करना पड़ेगा साइन में, किस में साइन में कैसे है? तो आप लिख दोगे वन बटा कितना साइन स्क्वायर ए माइनस वन। इसके बाद फिर से चेंज करना पड़ेगा क्या आपके पास, सर इसको अच्छे से देखोगे तो वन तो वन है, इसके नीचे वन कर देंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे में कितना है साइन स्क्वायर ए।
ऊपर में सर वन माइनस साइन स्क्वायर ए दिस इज व्हाट कितना पास कॉस स्क्वायर ए एंड नीचे में कितना है साइन स्क्वायर ए। अगर आप इसको सही से देखोगे तो ऊपर में आ जाएगा कितना कॉस ए एंड नीचे में कितना आ गया साइन, फिर से यही पहुंच गया। ठीक है, तो फिर से लिखने के लिए ऊपर में कॉस ए और साइन ए को लिखने के लिए रूट अंडर वन माइनस कितना कॉस स्क्वायर ए। बट आप देख लीजिए कि ये प्रोसेस कितना लंबा चला गया। तो मुझे क्या करना होता है, जब भी कभी आपको दिया जाए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के टर्म में लिखना है, तो आप समझिए कि हमको वहाँ जाने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता कैसे मिलेगा, क्या मैं फॉर्मूला लगा दूँ कि निकल जाए। तो मुझे इतना पता था कि कॉस बटा साइन कर दें, कॉस ऊपर आ चुका था और साइन को कॉस में मैं डायरेक्ट जानता हूँ, इसलिए मेरे लिए ईजी हो गया वो, है ना। नेक्स्ट आगे कौन सा है, टैन ए को लिखना है, किसको लिखना है टैन, तो इसी को पलट दीजिए काम आ जाएगा, है ना। कॉट को कॉट का इनवर्स क्या होता है टैन होता है, चलिए दिखाते हैं सर। अगर आप इस बार टैन ए को लिखना चाहेंगे, टैन ए को किस में कॉस में, टैन ए का फॉर्मूला होता है कितना पास साइन ए बटा कितना है कॉस। सर कॉस है ऑलरेडी नीचे दिख रहा है ना आपका, ठीक है, ऊपर में सर साइन है, सर साइन ए को मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर वन माइनस कितना कॉस स्क्वायर, बस हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट फाइनली अब हमारे पास क्या है कॉस सेक है। सर आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कॉस सेक ए है, कॉस सेक ए को मुझे लाना पता है किस में कॉस में। तो सर कॉस सेक ए का मैं फॉर्मूला जो जानता हूँ वो मैं बता दूँ, मैं फॉर्मूला जानता हूँ वन बटा कितना साइन ए, जानते हैं ना कॉस सेक ए का वन बाई साइन है, और सर उसके बाद वन तो वन है, साइन ए का फॉर्मूला कॉस में वन मैं जानता हूँ वन माइनस कितना कॉस स्क्वायर ए के रूट में, बस हो गया, इसका ये आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट इसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, और मैं फिर से बता दूं ढेर सारे क्वेश्चन अभी और भी आना बाकी है, तो फुल प्रैक्टिस में आपके पास होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास ये सारे कुछ है ना, वो मिलने वाला कहीं पर नहीं है यार, मतलब जितना मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा उतना रेयर ही केस में कहीं पर आपको, ठीक है, चलिए।